हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। तो आज है 14 अगस्त और आज है एंगेजमेंट का दिन। तो सुबह सुबह हम निकल गए थे केक लेने के लिए, क्योंकि हमें पता था फिर जो है काम जब आने लगेंगे ना तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा केक रिसीव करने के लिए, और किसी को लोकेशन का आइडिया भी नहीं था। तो इसलिए हम सुबह सुबह निकल गए थे केक लेने के लिए। और ये देखिए, यहाँ पर अपनी मेहंदी आपको दिखा रहे हैं कि रेड हो गई है। और फिर जल्दी से हम पहुंच गए थे लोकेशन पे। यहाँ पे वो केक जो है अंदर पैक कर रही थी, वो केक लेकर आ जाती हैं और फिर हम लोग निकल जाते हैं घर। बता दे क्या करोगे? तो अभी हम जा रहे हैं छत पे, क्योंकि जो भी खाने वाने का अरेंजमेंट था वो छत पे ही होना था, नीचे उतनी अच्छी स्पेस नहीं थी। तो सारी जो क्लीनिंग वगैरह हो गई है, सामने जो खुला हुआ था तो सिर्फ सामने ही हम लोगों ने ये पर्दा लगवाया है। टेंट की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि रात का फंक्शन था, और बाकी चारों तरफ बाउंड्रीज अच्छी हैं तो कहीं से भी कुछ बाहर का दिखने का कुछ था ही नहीं। तो यहाँ पे टेबल्स चेयर्स वगैरह जो है वो आ गई हैं, छत वगैरह भी पूरी तरह से धुल-वुल के क्लीन हो गया है। तो बस अभी चलते हैं नीचे। जो भी ड्रेस वगैरह थे वो उन सारी चीज़ों की पैकिंग तो पहले ही हो गई थी, आपने व्लॉग में देखा होगा, बट ये लास्ट फ्रूट का जो आइटम है वो रह गया था। तो हमारा यहाँ पे वो सारी चीज़ें पैक कर रही थी। फ्रूट्स वगैरह जो थे वो हमने पहले इसलिए नहीं पैक किए थे क्योंकि वो जो है दब के ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने फ्रेश फ्रूट्स जो है फ़ौरन ला कर टोकरी में पैक किए। तो यहाँ पे हमारी डेकोरेशन जो है वो कंप्लीट हो गई थी और देखने में काफ़ी अच्छी लग रही थी। हम सबको शुरुआत में ग्रीन लाइट थोड़ा अजीब लगी, बट धीरे धीरे जो है ना वो ग्रीन लाइट काफ़ी अच्छी लगने लग गई। और केक कटिंग के लिए हमें टेबल भी रेडी चाहिए था, तो जो उस पर कपड़े वगैरह थे वो मेरे पास थे, तो हमने भैया को बोला कि क्या आप प्लीज़ इसे डेकोरेट कर देंगे क्या। तो उन्होंने अच्छे से टेबल को कवर करके और फ्लावर्स वगैरह से डेकोरेट कर दिया, तो काफ़ी अच्छा हो गया था। और ये था हमारा ब्यूटीफुल सा एंगेजमेंट केक, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। चीजें
हैं जो हमारे तरफ से लड़के के लिए गिफ्ट है। ये तो आपने देखा ही है, ये रिंग प्लेटर, इसमें रिंग रखी जाएगी, वो गिफ्ट है आई थिंक जेवर ले आई है। और बस अभी बस 6 बज गए, हम लोग जा रहे हैं रेडी होने के लिए, अदरवाइज बहुत लेट हो जाएगा। यहाँ पे ज़ायरा जो है वो खाना खा रही थी और उसके बगल में ईरा इतनी क्यूटली बैठ के उसके प्लेट में से खाना खाने लग गई ना। इस लड़की को ना बस खाना मिल जाए, किसी के भी प्लेट से वो खाना शुरू कर देती है, तो इतना प्यारा लग रहा था, तो हमने वो कैप्चर किया कि आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे हम फटाफट से रेडी हो गए थे और फिर हमने स्टार्ट कर दिया राहत का मेकअप, क्योंकि उसे भी रेडी होना था। ड्रेस उसके ससुराल की तरफ से आना था, तो उसने घर पे जो उसका बेसिक कपड़ा था वही पहन रखा था, क्योंकि बार बार क्या ही चेंज करना। तो यहाँ पे रेहान लोग भी आ गए थे घर पे, सानिया लोग भी रेडी हो गई थी, तो भाई इन लोगों की फ़ोटोशूट जो है वो स्टार्ट हो गई थी और हम तो लगे हुए थे राहत को रेडी करने में। यहाँ पे हमारे गेस्ट जो थे वो आ गए थे और बस उन्हें बैठाया गया और नाश्ता वगैरह सर्व किया गया। गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि सब गर्मी से परेशान थे, तो बस इस रूम में एसी चल रही थी, तो सबको हम लोगों ने वहीं सेट कर दिया। सब वहाँ कैसे भी करके एडजस्ट हो गए थे। यहाँ पे रात ने ड्रेस वगैरह चेंज कर लिया था, पूरी तरह से वो रेडी हो गई थी और माशाल्लाह इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी ना। वैसे भी वो प्यारी है बट मेकअप के बाद ना तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो बस यहाँ पे उसका फ़ोटोशूट चल रहा था अंदर, अभी फटाफट से फ़ोटोशूट कराते हैं, फिर होगी रिंग एक्सचेंज और फिर आगे देखते रहिए।
देखो और यहाँ पे हो चुका था रिंग एक्सचेंज और फाइनली होने जा रहा था केक कटिंग। इस इंगेजमेंट के लिए ना हमारे पूरे घर में सब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, फैमिली फ्रेंड्स सब एक्साइटेड थे, क्योंकि हम लोगों में ऐसे सामने सामने से रिंग एक्सचेंज नहीं होती है। ऐसा होता है कि लड़की के तरफ से आते हैं लोग लड़के के घर पर, फिर लड़के के तरफ से जाते हैं लड़की के घर पर और रिंग्स वगैरह एक्सचेंज हो जाती है। ऐसे सामने सामने से एक दूसरे को पहनाना ये कभी नहीं हुआ, तो ये फर्स्ट टाइम हमारे घर पे हो रहा था, तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे इस चीज़ के लिए। Come on.
सारी रस्में वगैरह हो गई थी, तो अभी छत पे आए थे रेहान लोग खाना खाने के लिए, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा कैप्चर कर दिया। खाने में था चिकन, नान, जर्दा और बिरयानी खाना था। बहुत मज़ा आया खाने खाके। थैंक यू फॉर फोटो शूट। अरे बाप रे, तो हम तो खा रहे थे इसमें ना। तुम नीचे जा रहे वो लोग, तुम यहाँ हो यार। बेटा गिरे ना जायरा, आज तुमने बहुत बड़ा कांड किया है, मामू गुस्सा है तुमसे। सोफे पे खिंचाई रात के 1 बज चुके हैं लेकिन चैन नहीं दिख रहा। व्लॉग अभी तक ये हमारे फोटोग्राफर बेचारे रो रहे हैं, इधर आओ सुबह सोने इनको जाना है सुबह 7 बजे साइड पे। अश्विनी नाम उसका नाम आयु है, उसको तो जानते हैं अश्विनी। ये अश्विनी है वो आयु। क्या हुआ, पंखे की आवाज आ रही होगी ना, हमको वॉइस ओवर ही करना पड़ेगा। ये रही यार घड़ी, तुम मुंह क्यों छुपा रहे हो? हाँ मौनी खा ली है। Me and my team. टीम छुप रही है। बस दिखाओ यार, एलसीएल का नाम तो रोशन करो यार। एक सेकंड। ये हमारा कार्ड है, इसमें हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, फोटोग्राफी से रिलेटेड कोई भी काम के लिए कॉन्टैक्ट करें। प्लान इधर कुछ बोलना चाहोगे? आ करो एक बार। तीसरी बार खाना खाते हुए पकड़ी गई। पहली बार। क्या भैया कहाँ से आए हो? कौन हो? मंगरू कहाँ से आज बताऊ बे? छंगू मंगू। ये बेचारी बिरयानी पैक कर करके परेशान हो गई। यहाँ लिस्ट बनाई जा रही किसको इसको दिया जाए बिरयानी। ये एक जगह पैक हो गई, ये दूसरी जगह पैक हो गई। हया की आंखों में नींद की बरसात है, फिर भी इसको नहीं मिल रही। ये हमारा पियाई है, इनको पर्सनली अगर किसी घर में काम की जरूरत हो तो इनको बुलाया जाए। बहुत अच्छा काम करती है, देखिए अभी भी काम ही कर रही है। शक्ल दिखवाएं, थोड़ी सी रेहान को पैक कर दो, थोड़ी सी भूख। मैं भी चप्पी देखो, हाय करो, ऐसे करो, ऐसा करो। तो नहीं बहन कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे वो लोग बांट लेंगे ना। हाय गाइस, मी एंड माय टीम, हम लोग कुछ भी लाइन्स में स्टूडियो है, बेसिकली फोटोग्राफी करते हैं। ये दोनों को एकदम लुट गए हैं। आए थे हम लोग इंगेजमेंट शूट में, साजी अप्पी की कहते हैं ननन का शूट, सॉरी भांजी का कहते हैं इंगेजमेंट दिया जी। तो आए थे हम लोग इंगेजमेंट शूट में, तो यहाँ आयुष हो चुके हैं पूरे टल। आज आयुष ने किया शूट और अश्विनी ने की हेल्पिंग। तो आयुष कुछ कहना चाहेंगे आज के शूट के लिए? आयुष की तरफ फोकस करो। आयुष भाई कुछ कहना चाहेंगे बताइए। आयुष भाई, तो कुछ नहीं कहना चाहेंगे। मेरी मोहब्बत से बाय।
Hey guys, me and my team. आ रही है यार, इफ्राज लाइट आ रही है। इनका कहना है कि लाइट नहीं आ रही, तो हम इनको बताना चाहते हैं बेसिकली हमारा रिलायंस में स्टूडियो है, लाइट्स कैमरा नाम लाफ के नाम से। तो सुनिए, आपको कहते हैं अगर कोई भी शूट की इंक्वायरी चाहिए हो, वेडिंग शूट, एंगेजमेंट शूट, वेडिंग, प्री वेडिंग, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कहते हैं लिंक कहते हैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, हमारे प्रोफाइल का लिंक, हमारी वेबसाइट का लिंक, हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक, सब कुछ मिल जाएगा। हमारा फ़ोन नंबर भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। ये हमारे कहते हैं कैंडिड फोटोग्राफर है, ये हमारे सिनेमाटोग्राफर हैं, और मैं कुछ नहीं करता हूँ। मैं नल्ला हूँ बेसिकली, मैं कुछ नहीं करता हूँ। बाकी किसी भी चीज़ में क्वेरी हो तो मेक ओवर ऑफिशियल को कॉन्टैक्ट करें, बाकी वॉइस ओवर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। बाय 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 करो भाई, भाई ब्लॉग बन रहा है, भाई भाई ब्लॉग बन रहा है। तो यहाँ पे रात के ससुराल से जो सामान आया था वो हम देख रहे थे क्योंकि हमने नहीं देखा था, और बस इस व्लॉग को भी यहीं पे हम एंड कर रहे हैं। होप आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। यहाँ तक तो हम सब की बुरी हाल हो चुकी थी, बुरी तरह से थक चुके थे, तो अभी हम लोग रेस्ट करेंगे और मिलते हैं कल आपसे नए व्लॉग के साथ, या फिर कल नहीं तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। बाय, टेक केयर।